आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। तो कई सरकारी मुलाजिम सेवानिवृत्त होते हैं जो आम बात होती है, परंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी सेवानिवृत्ति सबके लिए बहुत ही भावुक बन जाती है। ऐसे ही एक शिक्षक अपने 26 सालों की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, जिनकी विदाई सबके लिए बहुत ही भावुक बन गई। हम बात कर रहे हैं राजकीय जूनियर कन्या हाई स्कूल असरेड में 10 सालों की बेहतरीन पठन पाठन की सेवा देने वाले शिक्षक जवाहर सिंह नेगी की सेवानिवृत्त पर विदाई समारोह की। बताया जा रहा है कि उन्होंने इस विद्यालय की आधारशिला भी रखी, जहां आज लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला दिला रहे हैं। तो इन्होंने ऐसे दौर में अपने सरकारी विद्यालय में लोगों को प्रेरित कर बच्चों का एडमिशन दिलाया और बच्चों के लिए पठन पाठन के लिए हर वो सुविधाएं जुटाई जो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही जरूरी होती है। इस विद्यालय में उनके कार्यों के कारण वो यहाँ के लोगों और विद्यार्थियों के चहेते शिक्षक बन गए। आज उनके सेवानिवृत्ति पर क्षेत्र के लोगों ने भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख, खंड शिक्षा अधिकारी सहित पूरे विकास खंड के तमाम शिक्षक शिक्षिकाएं सहित दर्जनों जनप्रतिनिधियों ने उनके सेवानिवृत्ति को यादगार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवसर पर बच्चों ने शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी। बच्चे शिक्षक और अभिभावकों की जहां आंखें नम हो रही थी, तो वही शिक्षक जवाहर सिंह नेगी की आंखें भी बार बार छलक जाया करती थी। वो अपने रूधे गले से बमुश्किल संबोधन कर पा रहे थे। बताते चले कि शिक्षक जवाहर सिंह नेगी का घर भी विद्यालय के करीब 5 किलोमीटर पर ही है। विदाई समारोह के समापन के बाद छात्र छात्राएं, अधिकारी, शिक्षक और स्थानीय लोगों ने उनके गांव तक शानदार विदाई देकर सम्मानित किया। उनके गांव में इस दौरान पूरे जश्न का माहौल था। न्यूज 9 भारत के लिए सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। मैं कक्षा 8वीं पढ़ती हूँ। आज सर रिटायर हो रहे हैं। हमें बहुत दुख हो रहा है कि वो इतने साल तक हमारे साथ रहे और आज रिटायर हो रहे हैं। और ऐसे ही सर हमेशा रहते रहे। हमें हमारी बहुत अच्छी शिक्षा मिली। हमें बहुत प्रेरणा मिली उनसे कि कहीं डरना नहीं चाहिए और डरना नहीं चाहिए और जहाँ कि सही के ठीक है। चलो असल गाँव की हूँ और भगवान आज हमारे सर का यहाँ से सेवानिवृत्ति हो रहा है। भगवान मृत्युंजय महादेव ने हमें अभिभावक के तौर पे एक शिक्षक को भेजा था यहाँ पे। इससे 10-11 साल पहले यहाँ सबसे प्रथम एडमिशन मेरा था। तब से लेकर आज तक सर ने हमें एक अभिभावक के तौर पर स्नेह किया और एक शिक्षक के तौर पे डांटा, पढ़ाया, इतना छपड़ाया कि आज हम अपनी पहुँच पर पहुँच चुके हैं। भगवान महादेव मृत्युंजय महादेव से मैं यही प्रार्थना करूंगी कि भगवान हमेशा सर को खुश रखे, अपना आशीर्वाद उन पर बनाए रखें। हमारे गुरुजी बहुत ही अच्छे गुरुजी थे। उन्होंने हमें बहुत अच्छी शिक्षा दी है, हम उनके आभारी रहेंगे। हम आज अपने गुरुजी से विदाई लेने में बहुत बहुत दुखी हो रहे हैं। हम उनकी आगे की जिंदगी की मंगल कामनाएं शुभकामनाएँ से उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। वो आगे बहुत ही अच्छे अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिताएं और हमारे गुरुजी ने हमें हर कठिनाई परिस्थितियों में हमारी मदद की है। हाँ, हमारे गुरुजी हमें बहुत याद आएंगे। सबसे पहले तो मैं महामृत्युंजय महादेव के चरण स्थली में माँ शारदा को नमन करते हुए गुरुजी की आज विदाई है। दस साल गुरुजी ने 10 साल यहाँ पर सेवा दी है। अब गुरुजी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। बाकी गुरुजी ने सबको प्रेरित किया कि सब बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ें, सबका दाखिला सरकारी स्कूल में होना चाहिए। बाकी मैं गुरुजी की विदाई पर उनको शुभकामनाएँ देती हूँ। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। वो ऐसे ही निरंतर अपनी सेवा सामाजिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में अपनी सेवा देते रहे। पूरे सेवा काल में बच्चों को सर्वोपरि माना है और इसी सर्वोपरि के आधार पर
मेरी सबसे अधिक सेवा राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल असेल में रही। तत्परांत दूसरे नंबर पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय पंथी रहा, जहाँ पर मैंने अभी तक जो है आज भी उन बच्चों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि उन्हीं मेरे पढ़ाए हुए बच्चे और आज उनके बच्चों को भी मैंने पढ़ाया है। मुझे इस बात की और इसके बाद मैं घर में रहूँगा। कुछ दिन घर बेकार लगे गई, लेकिन बाद बाद में आदमी जो है घर के माहौल में ढल जाएगा। लेकिन मैं शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा जुड़ा रहूँगा और जहाँ पर मेरी सेवा की ज़रूरत होगी मैं अपनी सेवा देने के लिए तत्पर रहूँ। भाई और बहनों से यही संदेश रहेगा कि वे समय पालन करें और उन बच्चों को पढ़ाने में अपना पूरा जीवन समर्पित करें जो हमारी ओर कातर दृष्टि से देख रहे हैं। हमारे पास वो निशाई बच्चा थे, विश्वविद्यालय में स्वयं किताब कॉपी खरीद उनकी आह लगेगी यदि हम जो है उनके प्रति समर्पित नहीं रहेंगे। आज नहीं तो कल जो है भगवान, आज मैं इतना खुश हूँ कि मैंने जो सेवा की है उसका प्रतिफल मुझे मिला है। मैंने अपने समस्त मेरे बच्चों के विवाह हो चुके हैं, सब अपने अपने परिवारों में सकुशल हैं और आशा करता हूँ कि भगवान आशुतोष जो है सबको सकुशल रखे और इसी प्रकार सबको प्रेरणा दे कि सर्वप्रथम जो है अपने कर्तव्यों का निर्वहन हमें अच्छे ढंग से करना चाहिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।